सिर्फ 4 दिन का इंतजार, उसके बाद फैसला हो ही जाएगा कि राजस्थान की सरकार बचेगी या फिर जाएगी। रविवार को सीएम अशोक गहलोत जयपुर से जैसलमेर पहुंचे। सूर्यगढ़ होटल में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा हालात को लेकर गहलोत ने विधायकों और पार्टी के आला नेताओं के साथ गहन मंथन किया। एक सुर में सभी विधायकों ने सचिन पायलट पर कार्रवाई की मांग की, तो अशोक गहलोत को विरोधियों से लड़ने के लिए काफी बल मिला। गहलोत ने भी विधायकों को भरोसा दिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, सचिन पायलट की वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो खुद पार्टी आला कमान से पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। 19 विधायक है जिस रूप में खबरें आ रही है, चिंताजनक खबरें हैं जिसमें क्या बाड़ेबंदी करी गई, उनकी बाड़ेबंदी की गई है, पहुंचे लगा करके 200 लोग खड़े हैं वहाँ पर, मिलने दिया नहीं जा रहा किसी को भी। उनके परिवार के लोग जाते हैं, हमारे पहले SOG वाले गए थे, ACP वाले गए थे, कानून अपना काम करता है, कम से कम उनसे बातचीत तो करें। वो लोग गए थे खाली बातचीत करने गए थे, SOG को नोटिस दिए गए थे, वो बातचीत के लिए दिए गए थे, पर ऐसा फैलाया गया जैसे कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया हो। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस BJP के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे वो चले गए, घर घर में गुस्सा है राजस्थान के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो खुद समझ रहे होंगे। सूर्यगढ़ होटल में सभी विधायकों ने पायलट को पार्टी से निकालने के लिए हस्ताक्षर करके बाकायदा एक प्रस्ताव भी पास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमारे विधायकों की एकता के कारण ही आज BJP को बाड़ेबंदी करनी पड़ी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी उनके साथी विधायक इसी तरह से एकता का परिचय देंगे। सरकार में हम लोग हैं, होस्टेडिंग हो रही थी इसलिए हम लोगों ने हम देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा, पर BJP के विधायकों की इस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके, उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। करीब 5 दिनों तक जयपुर में रहने के बाद सीएम अशोक गहलोत रविवार को जैसलमेर पहुंचे थे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री BD कल्ला, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, विधायक संयम लोढ़ा समेत कई नेता जैसलमेर में ही मौजूद हैं। बस 4 दिन की बात और है। गहलोत को यकीन है कि उनके विधायक पूरी ईमानदारी से फ्लोर टेस्ट में उनके साथ खड़े नजर आएंगे, तो वहीं इस बैठक के बाद अब पायलट की वापसी की रही सही उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।